ताज मरी नालो आ मुझो आऊं बुनियादी तौर ते समाजी सियासी सरगर्म कारकुन आया अदब से लिखण पढ़ण से मुतलिक है मुझा कुछ किताब आया है मुझे नालो मनोज कुमार है आऊं असिस्टेंट प्रोफेसर आया अंग्रेजी जो हाला कॉलेज में मु मास्टर्स कई है इंग्लिश लिटरेचर में पर इन खा बो भी तारुफ है आऊं लिखंद भी आया मुझा ट्रांसलेशन भी है टे किताब भी छपची चुका है सब का पहरियां तो वही खुशी की गाल ही नौजवान जेके हुआ उन्हें जी जेका दिलचस्पी है सभी का वधिक मुखे खुशी की गाल हुई इन करे तो रियली जेकर सची पची चो तो आऊं ये चो तो जेका है सागे सठ वाले ढहाके में जरा आऊं पान हाई स्कूल में पढ़ोस आऊं उन दौर में हलो वो उन दौर में पंजो पान के दिठुम थे इन नौजवान की शिकिल में Hello, my name is Sarmar Dabasi and I'm from Lahore. I'm a computer scientist और मैं आज यहाँ पे इस मेले में आया हुआ हूँ जहाँ पे बच्चों को जो है ये सिखाया जा रहा है कि वो किताबें पढ़ना शुरू करें जिसकी बहुत ज़रूरत है साइंस का था चाहे तो टे गालू कंदा क्यों एक सोची ना क्यों हर गाल पे सवाल कंदा क्यों एंड भी हर शय के दिसंदा क्यों मुझे अच्छी ढी खुशी थी ते बार जो हुआ उए जहनी तौर ढा सरगर्म हुआ तमाम जहनी तौर शार्प हुआ चाक हुआ चौबंद हुआ जहनी तौर मुख्य उन जहानत ऐसी मुतासर थो आया मुझे नालो प्रिया आए मेरा पब्लिक हाई स्कूल कैन शाह में आई आते स्पीच कई प्रोग्राम सुनो लगो गवर्नमेंट हाई स्कूल गोजो बल्कि आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की और उनको भी पार्टिसिपेट करवाया उनको भी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज किया और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोगों की कोशिश थी जो रोशनी पब्लिकेशन की कोशिश थी कि बहुत सारे जो है वो रीडर्स तैयार किए जाएँ तो वो रिस्पॉन्स हमें अब मिल रहा है जिस तरीके से लोगों ने बुक्स पढ़ने के लिए जो है वो इंटरेस्ट जाहिर किया मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे रीडर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन प्रोग्राम में आया हूँ गोजे इतने असके तमाम घड़ी नॉलेज हासिल थी है इतने जो टीचर्स हैं वो असके तमाम घड़ी नॉलेज दियन थियं कि असा बुक पढ़ना है किथे केड़ा केड़ा बुक्स असके पढ़न घुर्जन इंग्लिश की वजह से असके इतने घड़ी नॉलेज हासिल थी थे शायरी बुधाई नौजवान जो जो गीत गाया नौजवान उन्हें मजा बुधाए तो जाहिर थे तो उनके बो कुछ भी पढ़ने के लिए मिले तो अड़ो जो प्रोग्राम है इन प्रोग्राम भी उन्हें में एकड़ी जेका है सा वाध कई है उन में एकड़ी वधिक उनके सधारो करने की कोशिश है तो जी इन नौजवान में वधिक पढ़ण लिखण समझण जो जो आसो जो माहौल पैदा थे किताबन से दिल लगायो था तो तहे नई दुनिया खुलंद दुनिया यकीन तेजे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया मोबाइल की दुनिया गेमिंग की दुनिया का खूबसूरत दिलचस्प आड़ो हैरत अंगेज शोशनास कराइंद जी तुझे सोच का बहर रोशनी पब्लिकेशन ही जो कदम खो है सो तमाम वो है समझा तो इन किस्म जिस्म सरगर्मी सिंध के सभी शहर में थियन खपन सभी बार मौको मिलन खपे तो वे पंजे रवायती तरीकन का हटी करे कुछ नए शहर दा अचन असी अच्छी बारन के गैर निसाबी सिख्या जे तरीकन सा नयू गालियों बुधाइंदासी तो यकीनन उनन में एकड़ो
इल्म पिराइण जो ऐं नवन तरीक़नि सां इल्म पिराइण जो ऐं जिदत जो ऐं क्रिएटिविटी जो तख़लीक़ जो हिकिड़ो रुझान पैदा थींदो, लाड़ो पैदा थींदो ऐं हिकिड़ो उत्साह पैदा थींदो। वैसे तो हर जगह पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन हमारा चिल्ड्रन बुक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो एक्टिविटीज़, वो अवेयरनेस नहीं जा रही है, वो हम किस तरह पहुँचा सकते हैं। Our country is basically having around 64% of the youth, which I really believe should be closer to literature for the sake of reason, for the sake of critical reading, critical thinking. ये सिर्फ शिंग तरह ही जब ऐसा किताब पढ़ना है। तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि गोजो में जिन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि राइटर्स और ऑथर्स कौन होते हैं, वहाँ पर जाके ये सेशन लिया गया है। जितने भी राइटर्स गए हैं, जितने भी स्पीकर्स गए हैं, उन सब ने बेहतरीन अपना 100% दिया है वहाँ पर।